जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसी हाल कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं, इलाहाबाद जैसा महानगर जहां हमारा हाईकोर्ट है, न्यायालय है, माननीय न्यायालय हैं, और वहां पर इस तरीके से शूटिंग हो रही हो, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो, और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या कर रही उत्तर प्रदेश में, और अगर समय पर इलाज मिल जाता जहां अस्पताल में पहुंचे हैं तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है, ये डबल इंजन कहां घूम रहे हैं, और सिक्योरिटी का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस फेलियर, कमिश्नरेट बता रहे हैं कमिश्नरेट से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। केवल एक शहर की घटना नहीं है, अगर कल ही की हम जानकारी करें उत्तर प्रदेश में। अब आप इस पर डिबेट नहीं हो सकती, इस पर डिबेट नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, माननीय संसदीय कार्य अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से नेता सदन से ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। हमें उम्मीद है जवाब देंगे कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब बैठे, माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है, और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए, ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लिया आपने, माफिया के खिलाफ जवाब आ जाए, जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, जिसने भी किया, किसी का नाम तो नहीं लिया ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, कहीं सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी नहीं था, किस पार्टी का था, किस पार्टी का था, आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग, एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे, और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसी हाल कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार की सुनिए, सरकार किसकी है, तकलीफ में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है, अपराधी आप क्या है, ये चीजें नहीं हो सकती, आप क्या है, नहीं सुनेंगे इनकी बात, ये तो आप कब जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं, इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है, अपराध
सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो, आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोले, आपने जो बात कहनी अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा आप अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि ये बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। जिस माफिया ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है, और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था, और यही नहीं 2004 में भी वो माफिया, 2004 में भी वो माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था, और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता। अब बात सुनिए, दोनों काम कह रहे हैं, अगर आप जो बात कही जा रही है उसको सुनिए, आप अपना जवाब दीजिए कि आपने सांसद बनाया था कि नहीं बनाया था, विधायक बनाया था कि नहीं बनाया था, आप कह दे रही है अपनी बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, आप अपनी बात का जवाब दीजिए, आपको अवसर मिलेगा आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा। चलिए अब आप अपने सीट पर चलिए, आप अपने स्थान पर चले, आप अपने स्थान के ऊपर चले, आप अपने स्थान पर चले, मेरा निवेदन है कि आप अपने स्थान पर चले, आप अपने स्थान के ऊपर चले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 बजे आज पूर्व निर्धारित था कि माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल के भाषण के ऊपर चर्चा में जवाब देंगे, आप अपने स्थान के ऊपर चलिए, आप अपने स्थान पर चलिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप, ये पूर्व निर्धारित था आदरणीय नेता प्रतिपक्ष किस दिन बोलेंगे और माननीय नेता सदन किस दिन बोलेंगे। आज सवेरे 11 बजे माननीय नेता सदन के द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर अपनी बात कहनी थी, आपने एक विषय उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया, आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। ये मंच सब लोगों के लिए खुला, आप अपनी बात कह सकते हैं, जो भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है आपको लगता है कि वो असत्य है तो आप अपनी बात कहिएगा, आप अपनी बात, आपको भी मैं पूरा अवसर दूंगा, उसमें जो भी बात मुख्यमंत्री जी ने कही है आपको लगता है कि असत्य है तो आप अपनी बात कहिएगा, अपनी सीट के ऊपर जाइए।